अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जान और आप देख रहे हैं सी टेक। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर आया हूं जो कि जैज़ के मोबाइल फ़ोन की अनबॉक्सिंग है। और ये बटनों वाला स्मार्टफोन है जो कि जैज़ डिजिट 4G म्यूजिक के नाम से आता है। और आज के इस वीडियो में आपको जो जैज़ डिजिट 4G एस अनबॉक्स करके दिखाऊंगा कि जो मोबाइल फ़ोन है ये किस तरह का है, इसमें क्या स्पेसिफिकेशन है और इसके अलावा इसकी बिल्ड क्वालिटी किस तरह की है, इसके बारे में आपको बताऊँगा। तो ये ऐसा मोबाइल फ़ोन है जो कि तकरीबन 4.5 से 5 हज़ार की प्राइस रेंज के अंदर आता है। और आपको हाइलाइटेड फीचर्स बता दें तो ये एक ऐसा मोबाइल फ़ोन है जो यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप और इवन जो गूगल डू वगैरह है वो भी सपोर्ट करता है। और इसके अलावा ये म्यूज़िक वेरियंट है मॉडल जो है इसका। इसमें जो स्पीकर है वो काफ़ी अच्छे लगाए गए हैं। और पहले मैंने जैज़ डिजिट 4G एलीट और जैज़ डिजिट 4G प्रो की वीडियोज़ भी बनाई हैं और काफ़ी सारे लोगों ने मेरे से डिमांड भी की थी कि आप उनके फीचर्स वगैरह के बारे में डिस्क्राइब करें। जैसे जी 4G एलीट के तो मैंने फीचर्स एक्सप्लेन किए थे, लेकिन जो प्रो की बात करें तो मैंने उतने ज़्यादा उसके फीचर्स एक्सप्लेन नहीं किए थे जितने मैंने एलीट के किए थे। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसके अनबॉक्सिंग वीडियो के बाद इसकी जो मज़ीद वीडियोज़ हैं आपके लिए लेकर आऊँ, जिसमें आपकी जो मैं डिमांड्स हैं उनको फुलफ़िल करूँ। बट फिलहाल आज मैं जैसे अनबॉक्सिंग प्रोवाइड करूँगा तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वो रिकमेंड करूंगा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को और बेल आइकन के बाद आने वाले तीन ऑप्शन में से आल को लाजमी क्लिक कीजिएगा। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर यूट्यूब को देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं, एक मैं चीज़ और क्लियर कर दूँ, यूट्यूब के ऊपर फेसबुक से पहले वीडियो आती है, तो अगर आप पहले वीडियोज़ मेरी देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जो तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं जैज़ डिजिट 4G का बॉक्स और जैज़ डिजिट 4G म्यूज़िक का बॉक्स। और मेन हाइलाइटेड में आ जाता है इसका बिग स्पीकर इनेबल्ड बाय iOS, मतलब iOS का इसमें यूज़ किया गया है, फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल और गूगल असिस्टेंट और इसके अलावा गूगल मैप्स और यूट्यूब की ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। और लुक आप इसकी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी लुक लग रही है इसकी और सुपर 4G की ब्रांडिंग है। और इसके अलावा अगर ऊपर वाली तरफ आ जाए तो सिर्फ जैज़ लिखा है, नीचे वाली तरफ जैज़ सुपर 4G लिखा है। और लेफ्ट साइड पे अगर आ जाएँ iOS 1700 mAh बैटरी, 4GB और 512 MB 4G LTE की सपोर्ट के साथ आता है, जिसलिए मैंने इसको परचेज़ किया है। और क्वाड कोर प्रोसेसर 2.4 इंचेस की इसकी स्क्रीन है, डुअल सिम की सपोर्ट है इसके अंदर। इसके अलावा TF कार्ड जो कि 32 GB तक का सपोर्ट करता है, ब्लूटूथ और लाउड साउंड है इसमें। और इस साइड के ऊपर अगर आप देखें कुछ भी नहीं मैंशनड, कोई खास आपके काम की चीज़ नहीं है, सिर्फ कलर ब्लैक मैंशनड। और बैक साइड की बात करें तो वही चीज़ें जो कि मैंने आपको पहले भी दिखा दी, सुपर लॉन्ग बैटरी लाइफ और बिग स्पीकर फॉर लाउड म्यूज़िक। तो अब इसको अनबॉक्स करते हैं और उसके बाद मिलते हैं। जी तो फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी मेहनत से इसकी जो रैपिंग है इसको छुरी के साथ मैंने रिमूव किया है, मतलब इसको कट किया है, और उम्मीद है कि सही हो गई होगी। तो ये आप देख सकते हैं, तो यहाँ से इसकी जो सील है उसको भी मैंने ब्रेक कर दिया है। तो अब इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर में क्या क्या कुछ मिलता है और जो मोबाइल बजाते खुद है वो किस तरह का है। ये तो बॉक्स ओपन करते हैं, मैं सबसे पहले मिलता है हमारा स्मार्टफोन, बटनों वाला जो स्मार्टफोन है वो वाला। और इसका ऐसा करते हैं बाद में देखते हैं, इसको पहले रखते हैं साइड पर और उसके बाद बॉक्स खोलते हैं और जो बाकी एक्सेसरीज़ है वो देखते हैं, सारा कुछ बाहर निकाल लेते हैं हम। तो ये क्या है जी, ये है इसका वारंटी कार्ड और इसकी वारंटी 1 नवंबर 2022 को एक्सपायर हो जाएगी। और ये है इसकी यूज़र गाइड, यूज़र मैनुअल, तो यहाँ पे आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी इसकी। तो ये सारा कुछ रखते हैं साइट पे और अब आते हैं हम एक्सेसरीज की तरफ। तो ये है हैंड फ्री, जो बस मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसको ओपन ही ना करूं क्योंकि इसको कोई फ़ायदा तो होना नहीं। आम टिपिकल जो चाइना के मोबाइल्स के साथ हैंड फ्री आती है वही वाली डेफिनेटली हैंड फ्री होगी, लेकिन कम से कम इन्होंने प्लानेट को बचाने के लिए हैंड फ्री स्किप नहीं की। तो हैंड फ्री की अब जो क्वालिटी है वो भी देख सकते हैं, ये मजबूरी वाली हैंड फ्री है, इसको वैसे कोई भी नहीं यूज़ करेगा। तो खैर इसको हम साइड पर रखते हैं, इसकी जो पैकिंग है उसको भी और इसको भी साइड पर रखते हैं, जो बाकी दो चीज़ें हैं उनको देखते हैं हम। तो ये है इसका चार्जर, चार्जर को भी खोल के चेक कर लेते हैं। तो जो इसका अडाप्टर है वो आप देख सकते हैं, फिक्स केबल के साथ है, इसमें हम डाटा केबल की ऑप्शन नहीं मिलती, लेकिन अगर अलहदा हो तो उसका बड़ा फ़ायदा होता है, अदर डाटा केबल भी यूज़ हो सकती है। तो अगर इसकी रेटिंग के बारे में हम बात करें, अगर हमें नज़र आ जाए रेटिंग, तो इसकी जो रेटिंग है वो मैं आपको दिखा देता हूँ।
3.5 वाट, मतलब 3.5 वाट का ये चार्जर है। और इसके अलावा इसके जो पोर्ट है वो डेफिनेटली हमें माइक्रो यूएसबी ही मिलेगी। तो ये हो गया। अब आ जाते हैं हम बैटरी की तरफ। अब जो बैटरी है इसको अनरैप करते हैं, तो बैटरी आप देख सकते हैं इसकी इसकी बैटरी 1700 mAh इसकी बैटरी है। तो अब हम सारा कुछ साइड पर रखते हैं और जब अपना मोबाइल फ़ोन है उसको लेके आते हैं बीच में। तो मोबाइल फ़ोन को जैसे हमने पैकिंग से रिमूव किया तो अब देख सकते हैं मोबाइल फ़ोन की लुक, और इसके ऊपर स्क्रैचेस आप देख सकते हैं। आई थिंक इसके ऊपर जो प्रोटेक्टर है वो प्री अप्लाइड है पहले से, लेकिन अगर है तो काफ़ी अच्छे तरीके से है, पता नहीं चल रहा। और मोबाइल के बारे में अगर आपको लुक के बारे में फ़र्स्ट लुक के बारे में पता चलूँ तो ये पूरा जो एक ही ग्लास है वो यहाँ तक लगाया गया है। और ये है इसका वॉइस असिस्टेंट का बटन, और इसके अलावा बाकी बटन आप इसके देख सकते हैं। ब्लैक कलर में है ये, और ये प्योर ब्लैक है, शाइनी जिसको आप आई थिंक कहते हैं पियानो ब्लैक। और जो बाकी है वो ग्रे शेड में है, और थिकनेस आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा नहीं है इसकी, मुनासिब सी थिकनेस है। और जो इसका कैमरा सेटअप है वो आप देख सकते हैं इन्होंने अपनी तरफ से एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स की तरह बनाने की कोशिश की है। सिंगल कैमरा है इसमें और एक एलईडी फ्लैश लाइट है। और इसके अलावा इसका स्पीकर आप देख सकते हैं जैज डिज़ाइंड बाय डिजिट फोर जैज। नीचे वाली तरफ अगर बात करें इसके ऊपर हमें सिर्फ और सिर्फ एक माइक्रोफोन मिलता है, और इसके अलावा अगर साइड की बात करें साइड हमें प्लेन मिलती है दोनों साइड्स ही। ऊपर वाली तरफ हमें इसकी जो हैंड फ्री की ऑप्शन मिलती है, मतलब 3.5 mm का जैक मिलता है, और इसके अलावा एक जो चार्जिंग पोर्ट है वो मिलती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें इसमें फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने को मिलता है जो कि VGA है, इट्स मीन के इसका जो दोनों कैमरे हैं वो VGA ही होंगे। और इसके अलावा यही कुछ है इसके अंदर। अब इसके अंदर बैटरी इंसर्ट करते हैं और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर हमें दो सिम्स और एक मेमोरी कार्ड की ऑप्शन मिलती है। तो इसके अंदर अब हम डालते हैं बैटरी और इसको टर्न ऑन करते हैं। जितनी देर में टर्न ऑन होता है हम इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। जो इसका प्लास्टिक है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया गया है, और अच्छी बात यह है कि ये प्लास्टिक मैट में है, और इसके ऊपर जो स्मजेस वगैरह हैं वो हमारे पास शो आउट नहीं होंगे। और इसके अलावा बटन्स की बात करें तो प्लास्टिक के बटन्स हैं जो कि साइज़ में बड़े हैं। और वेट के बारे में बात करूँ तो इसका जो वेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, और साइज़ के बारे में बात करूँ तो साइज़ इसका मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़रा लेंथी है, और इसके अलावा थोड़ा सा मतलब चौड़ा भी है, थोड़ा सा मोटा भी है। मतलब हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल तो काफ़ी अच्छी जो है ना इसकी ग्रिप लगती है, मतलब बहुत ज़्यादा कोई हल्का नहीं लगता। और व्हाट इज़ इंटरनेट, लो जी ये बता रहा है कि इंटरनेट क्या है, टच नहीं है। तो जी ये है इसके नोटिस, ये यहाँ पर नोटिफिकेशन शो होते हैं यहाँ पे इसके। और इसके अलावा ये आप देख सकते हैं इसमें का स्टोर, इंटरनेट और कैमरा, और ये सभी ऑप्शन अवेलेबल हैं। सेटिंग्स में जाते हैं हम इसकी, और सेटिंग्स में जा के मैं आपको इसका थोड़ा सा जो अबाउट है डिवाइस इंफॉर्मेशन वो मैं आपको दिखा दूँ। हम देख सकते हैं जैज डिजिट 4G म्यूज़िक सॉफ्टवेयर वर्जन का 2.5.3.2 सॉफ्टवेयर अपडेट इसमें आती रहती हैं। OS वर्जन आप देख सकते हैं इसका, और इसके अलावा अब दिखाता हूँ मैं आपको इसका बैटरी परसेंटेज भी है इसके अंदर। और आई थिंक आफ्टर अपडेट इसकी जो ऊपर भी बैटरी परसेंटेज आ जाएगी। और इसके अलावा अगर मज़ीद इसमें चीज़ों की बात करें, एक चीज़ मैं आपको बता दूं जो जैज़ 4G लीड है उसमें भी बैक बटन के तौर पे ये नहीं बल्कि ये इस्तेमाल होगा, तो ये थोड़ा सा आपको एडजस्ट होना पड़ेगा इसके साथ। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी हम कोई चीज़ ओपन करते हैं तो जैसे ही हम इसको बंद करके दोबारा ओपन करेंगे तो ये रैम में स्टोर रहती है, और अगर हमने रैम क्लीन करनी है तो आई थिंक ये वाला बटन लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा या फिर ये वाला शायद बटन। तो ये देखिए यहाँ से मेमोरी क्लीन हो जाती है इसकी मेमोरी क्लीनर, तो ये इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ है। आपकी जो रैम है वो जब फिल हो जाए तब आप इसको क्लीन कर सकते हैं, तो दोबारा से जो आपका मोबाइल फ़ोन है वो एक दफ़ा रिफ्रेश हो जाएगा। तो व्हाट इज़ इंटरनेट आप नीचे वाला बटन दबाएंगे तो ये आपके सामने कुछ इसके फीचर्स हैं या आई थिंक कुछ बताएंगे या क्या चक्कर है। तो खैर ये कार्ड्स की ऑप्शन है एक्चुअली, जैसा कि आपने देखा आपके सामने ऑप्शन भी है। तो मैं इसको ज़रा कैमरा आपको फटाफट से टेस्ट आउट करवा देता हूँ, बता देता हूँ कि कितने जगह है इसका कैमरा। तो अब इसका जो बॉक्स है वो हम लेकर आते हैं या फिर कोई चीज़ एक पकड़ लेते हैं, एक हैंड फ्री पकड़ लेते हैं। तो हैंड फ्री की अगर मैं आपको पिक्चर लेके बताऊं तो पिक्चर जो है इसकी ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा कोई बुरी तस्वीर नहीं है, फिर भी चलें ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही, पता चल रहा है कि पिक्चर खींची है किसी चीज़ की, अच्छा रिजल्ट है इसका। तो अगर फ्रंट फेसिंग कैमरा के बारे में बात करें तो फ्रंट कैमरा कहाँ से हमने करना है भाई,
यहाँ से फ्रंट कैमरा, और फ्रंट कैमरे से मैं आपको पिक्चर लेके दिखाता हूँ। ये भी मैंने फ्रंट कैमरे से पिक्चर कैप्चर की है और ये भी ठीक है, मतलब गुजारा मुजारा ही है। लेकिन मेन इसकी जो हाईलाइट चीज़ है 4G मोबाइल फ़ोन है, और लोकेशन आप देख सकते हैं, लोकेशन आपके सामने शो हो रही है, इसमें लोकेशन भी है, और इसके अलावा इसमें इंटरनेट है। इसके अंदर यूटिलिटीज़ में आपको जाकर दिखाता हूँ, इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। और नीचे वाली तरफ अगर आ जाए, हमारे पास QR स्कैनर वगैरह भी और इस तरह की चीज़ें भी हमारे पास मौजूद हैं। जी तो फ्रेंड्स, यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं हूँ आपका होस्ट जान, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।